पहली बॉल पे। वैसे यूनुस भाई इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, बॉलर्स हमारे पास अच्छे हैं बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, टीम हमारी हाँ, क्योंकि मजा आएगा बहुत यूनुस भाई, बहुत मजा आएगा। गुड लक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। वेलकम हो गया एक और वीडियो के अंदर, एक बार फिर स्वागत है आदिल एजाज की तरफ से। यार अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मुझे मैच पर जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत मज़ा आने वाला है आज। मैं बिल्कुल रेडी होकर तैयार हूँ, बस नाश्ते का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही नाश्ता आता है बस करके निकलना है। यार नाश्ता वाश्ता आ गया अपना बस, और ये बस अंडा पराठा खाना है, चाय वाय पीनी है और यहाँ से निकलना है। आज तो अच्छा मैच है और सरप्राइज भी आप लोगों के लिए। हाँ यार नाश्ता वाश्ता हो गया, बिल्कुल रेडी हूँ मैं, लेकिन प्लान में एक चेंज है। पहले मैं सीधा ग्राउंड जा रहा था, लेकिन अभी मुझे आशिक भाई के घर जाना है, वहाँ से हम साथ ग्राउंड जाएंगे। अब आशिक भाई कौन है ये बताऊँगा रास्ते में। हाँ यार मैं बात कर रहा था आशिक भाई के बारे में। आशिक भाई मेरे भाई जैसे हैं और बाय प्रोफेशन वो क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, और उन्होंने सारी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के। डिपार्टमेंट लेवल पे खेले, UBL से, HBL से, कैंडीलैंड से, पाकिस्तान एक खेले हैं, पाकिस्तान की सारी क्रिकेट खेली है। अगर कुछ रह गया है तो वो पाकिस्तान है, और इंशाल्लाह फ्यूचर टेस्ट क्रिकेटर हैं। जिस तरह की वो मेहनत करते हैं, जिस तरह वो पैशनेट अपने काम के साथ, उनकी मेहनत इस चीज़ के इंडिकेट करती है कि भाई वो फ्यूचर स्टार हैं, और इंशाल्लाह हमारी दुआ वो खेलेंगे, ज़रूर खेलेंगे। अभी उनके घर के बाहर खड़ा हूँ, वो रेडी होके आ रहे हैं, बस जैसे ही आते हैं फिर ग्राउंड के लिए निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। यार ग्राउंड में आ गए और लड़के वड़के आ गए, कुछ लड़के स्टम्प्स लगा रहे हैं, कुछ लड़के वहाँ पे बैठे हैं, लड़के पूरे हैं। और आज यूनुस भाई भी आ रहे हैं, यूनुस खान पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, लेजेंडरी बैट्समैन, वो भी आ रहे हैं। और जो मैं कह रहा था फ्रेंडली मैच है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए था, यूनुस भाई आ रहे हैं। तो लड़के वड़के फुल हैं, पूरी क्वांटिटी है लड़कों की, भाई यूनुस भाई आएंगे तो लड़के कैसे नहीं आएंगे। बस सिर्फ यूनुस भाई का वेट कर रहे हैं, जैसे ही ले आते हैं मैच शुरू कर देंगे हम। बस आई एम रेडी फॉर द बैटल विद यूनुस खान। दोनों कप्तानों के बीच टॉस होने जा रहे हैं, टॉस पे फिक्सिंग नहीं होगी। चले सही है, करें कौन जीता? हमारी बैटिंग है, हम बैटिंग कर रहे हैं, पहले टॉस जीत के बैटिंग ही करेंगे, सीमेंट का और क्या करेंगे। हेलमेट हेलमेट सही है ना शिव? यार अपनी बैटिंग है और मैं अंपायरिंग करने आया हूँ, तो अभी मैच शुरू होने वाला है। बस फास्ट बॉलर अपने रनअप पे चला गया है और तेज़ फास्ट बॉलर है, मज़ा आने वाला है आज। पहली बॉल पे आउट भाई। चलो भाई दूसरी बॉल आ गए, नया बैट्समैन आ गया, अब देखते हैं अब क्या होने वाला है। यार दो ओवर में 10 रन है और 2 आउट हो गए यार। अभी पता नहीं, यूनुस भाई भी अगेंस्ट साइड में आ गए, आपस में खेल लेना, यूनुस भाई भी अगेंस्ट साइड। अभी एक दो ही बैट्समैन बचे हैं, उसके बाद आपका भाई। Two hours later. हाँ यार अपनी इनिंग हो गई है, 30 ओवर में 253 का टारगेट दिया है। अभी वहाँ से यूनुस भाई पैट्स कर रहे हैं तो बड़ा मज़ा आने वाला है। अभी यूनुस भाई से पूछते हैं क्या स्ट्रेटजी उनकी, क्या सोच है, क्योंकि ओपन कर रहे हैं तो ओपन में किस हिसाब से खेलेंगे, किस माइंडसेट से आएंगे, क्योंकि बॉलर्स भी हमारे पास अच्छे हैं, तगड़े बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर भी एक बड़ा अच्छा है और स्पिनर्स भी बड़े अच्छे हैं और एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, तो उनसे पता करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं।
भाई, यूनुस भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यूनुस भाई जी जी, अभी हमने टारगेट दिया 30 ओवर में 253। ठीक है, तो ओपनर जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी आपकी? सिंपल है, पहले तो जो हमारा पावर प्ले 8 ओवर्स का, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे 8 ओवर का दायरा है जी, उसमें हम टारगेट को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, कम से कम विकटें दें, और साथ में हमारी कोशिश ये होगी कि एटलीस्ट हम 9 पर आवर हम अगर कहीं रन्स करते हैं, तो अगर हमें कहीं अराउंड 70 रन्स मिल गए हमारे पावर प्ले में, तो क्योंकि बाद में फिर बॉल भी थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो कोशिश हमारी है कि कम से कम विकटें दें, पहले पावर प्ले में एटलीस्ट 9 पर आवर हम रन्स करें, जो कि अराउंड 70 रन्स बन जाते हैं, और उसके बाद वो जिस जिसको मौका मिले एक लंबी इनिंग खेलें, और एक आधा ओवर पहले हम उसको इस टारगेट को अचीव करें, क्योंकि टारगेट इस ग्राउंड की हम बात करें तो ग्राउंड बड़ा है, बाउंड्री बड़ी है, आज अच्छी बात है कि हवा नहीं है, सही। तो क्योंकि बड़े ग्राउंड में जब हम यहाँ खेलते हैं तो एक तरफ से जब हवा होती है तो बॉलर्स को थोड़ा सा एडवांटेज होता है, तो वो एडवांटेज आज बॉलर्स के पास वैसे नहीं है। वैसे यूनुस भाई इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, बॉलर्स हमारे पास अच्छे हैं बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, टीम हमारी हाँ, क्योंकि आज हमने मिक्स टीमें खिलाई हैं जी, और ये सारे लड़के वो जो है एक दूसरे की प्लस पॉइंट और जो वीक पॉइंट होते हैं वो हम सबको पता है, तो जैसे मैंने कहा कि टारगेट काफ़ी अच्छा है, ये चैलेंजिंग है, इतना ईजी नहीं होगा, लेकिन बात वही है कि जैसे अगर जैसे मैंने कहा कि अगर पावर प्लेस में रन हो जाते हैं, विकटें नहीं गिरती हैं, विकेट इज़ द की, और क्योंकि 30 ओवर का मैच है, अगर जो कि हमने अभी देखा पहली इनिंग में कि जहां भी गैप में बॉल जाता है तो ग्राउंड तो बड़ा है, लेकिन ये कि क्योंकि बारिश हुई हुई है, ग्राउंड बहुत हार्ड है, तो बॉल ट्रैवल कर रहा है, तो ये एक एडवांटेज है, और ये दोनों तरफ से क्योंकि बॉलर्स के लिए भी इतना ईजी नहीं होगा, उसकी वजह यह कि हम इस पिच की बात जो कि सीमेंट की पिच है, लेकिन ये है कि इसमें होता क्या है कि आपको कहीं ना कहीं बैट में बॉल बहुत अच्छा आता है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये फ्रेंडली पिच है या बैटर्स के लिए या बॉलर्स के लिए, ये दोनों के लिए एडवांटेज है, तो मेरे ख्याल से अगर पार्टनरशिप होती है, जो भी बैटर जाए बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे लिए आसान होता है। आप फील्ड पे आए नहीं, अगर आप थोड़ा जल्दी आते तो मुझे नहीं लगता स्कोर इतना होता। नहीं, लेकिन अच्छा है, देखिए बात असल में ये कि उसमें एक फ़ायदा ये है कि हमने तो बहुत सारी कैप्टनसी की हुई है, हमें पता भी चल रहा होता है, लेकिन ये कि जब आपके पास यंग जो आपके कैप्टन होते हैं तो उनके लिए सीखने का मसला, तो मैं इसलिए जब मैं आया फील्ड में तो मैं अंदर नहीं आया, मैं बाहर ही रहा ताकि जो हमारे कैप्टन हैं उनको सीखने का मिले, और साथ में बॉलर्स को भी इसी तरह जब उनके पास वो ऑनरशिप होती है, उनके पास वो एम्पावर होते हैं, तो फिर उनके जो प्लान होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में आसानी होती है। बाज़ अगर हम जैसा अगर कैप्टन या प्लेयर जो कि काफ़ी क्रिकेट खेली होती है, अगर हम ही उनको फिट करते रहें तो ठीक है, गाइडनेस तो होनी चाहिए, लेकिन फिर जब बॉलर खुद से अपनी समझ से कर रहे होते हैं तो फिर वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मज़ा आएगा बहुत ही, बहुत गुड लक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यूनुस खान, मैं इस वक्त आदिल एजाज के साथ हूँ, उनका चैनल आदिल एजाज को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हाँ तो यार यूनुस भाई से बात हो गई, बड़ा मज़ा आने वाला है, अभी ओपन आ रहे हैं, बस दूसरी इनिंग स्टार्ट होने वाली है, तभी ग्राउंड उतरना है बस। आज तीनों जगह
यार मैच ख़त्म हो गया, हम जीत गए, एंड तक गया, बहुत मज़ा आया। अभी यहाँ पे टी टाइम है, चाय वाय पीते हैं, फिर घर जाऊँगा मैं, और मैच की स्टोरी मैं घर जाके बताऊँगा आपको। हाँ भाई, क्या मैच हुआ यार आज, कसम से बहुत मज़ा आया। 253 रन 30 ओवर में भाई, बहुत मुश्किल होता है। दूसरी टीमें आती है ना, उनको हम 100 रन में बुक कर देते हैं, लेकिन आज अगेंस्ट बड़ी तगड़ी टीम थी, यूनुस खान थे, आशिफ भाई थे, तो बड़ा मज़ा आया। जब तक यूनुस भाई खेल रहे थे तब तक तो बड़े मज़े से लेके जा रहे थे, ऐसा लग रहा था यूँ ख़त्म कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए हमने चढ़ाई शुरू कर दी। फिर आशिफ भाई आए उनकी जगह, उन्होंने आहिस्ता 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 करके मैच को इतना क्लोज कर दिया। एंड में 3 ओवर में 40 रन चाहिए थे, फिर मैंने ओवर के मुझे 15 पड़े, लेकिन एक फास्ट बॉलर ने सेकंड लास्ट ओवर बड़ा अच्छा निकाला 5 रन का, तो लास्ट ओवर फिर मैंने बचाया, तो हम मेरे ख्याल से 15 रन से मैच जीते हैं। आशिक भाई ने 120 रन किए बहुत आला इनिंग के लिए। अगर वो आउट हो जाते ना तो हम वन साइड मैच जीत जाते, इतना क्लोज लेकर आए, उनके साथ कोई खेलने वाला भी नहीं था। अगर थोड़ा बहुत अच्छा लड़का होता ना उनके साथ खेलने वाला तो हम बढ़ जाते सीरियसली। तो खैर यार, आज के लोग को इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि रात को मैं 1:30 बजे सोया था, सुबह जल्दी भी उठाऊँ 30 और फील्डिंग भी की है, तो बहुत थकावट हो रही है। तो आज का इधर ही तक रखते हैं, आप लोगों से कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।